रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के लखोरी बाग में जहां एक 20 वर्षीय युवक की हत्या कर सुबह तालाब में शव मिला है। शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। सूचना पाकर पहुंची वहीं कोतवाली पुलिस और अन्य थानों की पुलिस ने मृतक के शव को तालाब से बाहर निकाला और शव का FSL टीम ने परीक्षण किया है। आपको बता दें कि परीक्षण करने के बाद परिजनों ने PM कराने से इनकार कर दिया और शव को लेकर हाईवे की ओर भागने घटना स्थल पर पहुंचे हैं। नगर पुलिस अधीक्षक सचिदानंद प्रसाद ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा था। पुलिस ने बहुत प्रयास किया मगर परिजनों ने इतना आक्रोश व्याप्त है कि शव लेकर परिजनों ने हाईवे की तरफ दौड़ लगा दी और चौराहटा रीवा हाईवे में शव रखकर जाम लगा दिया, जिसके बाद जाम खुलवाने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। लाठीचार्ज की घटना में कई लोगों के सर हाथ में गंभीर चोट आई है। यहाँ पर अरविंद साकेत 20 वर्ष की अरविंद पटेल 20 वर्ष की उम्र का बालक है। उसके कुछ तीन लोगों से यहाँ पर जो उनके परिजन बता रहे हैं, वसीम, बिरजू, इनके साथ पूर्व में कुछ विवाद था मछली को लेकर, मछली मारने को लेकर के। ये लखोरी बाग में कोई तालाब है, वहाँ पे ये लोग मछली मारने जाते थे। हम मछली मारने को ही लेकर के इन लोगों का पहले का कुछ विवाद था और जो इनके परिजन बता रहे हैं, कुछ दिन पहले से अरविंद का पता नहीं चल रहा था कि कहाँ है। तो उसी की कॉलेज थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई गई थी। उसी को लेकर के कल अरविंद की जो बॉडी है वो तालाब से ट्रेस आउट हुई है। उसी को लेकर के परिजनों में आक्रोश था कि जिससे जल्दी जल्दी हो सके उससे जल्दी जल्दी अपराधियों की धरपकड़ की जाए।